दोस्तों आज करेंगे सोनी के अल्फा 6400 का इमेज क्वालिटी टेस्ट। और ये कैमरा मेरे पास ऐसा दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले, तो मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका आप इमेज क्वालिटी टेस्ट करके दिखाइए इसके फोटोज़ कैसे आते हैं। तो ये वीडियो जो है इस कैमरा का रिव्यू नहीं है, मैं सिर्फ एक आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भाई इसकी जो पिक्चर्स आती हैं वो एक फोटोग्राफर के नज़रिए से कैसी हैं और ये कैमरा किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ताकि अगर आपको इस कैमरा को लेना है या इस तरह के कैमराज को लेना है तो थोड़ी आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस इमेज क्वालिटी टेस्ट के लिए मैं सोनी अल्फा 6400 के साथ यूज़ कर रहा हूँ 18-135 mm का लेंस। ये जिनका कैमरा है उन्होंने इसी लेंस के साथ इसे लिया था, तो मेरे पास कोई दूसरा लेंस है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कैमरा है जब से मैंने इसको होल्ड किया तो इसका जो ग्रिप है ये ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा लार्ज लगा मुझे। और बॉडी का अगर डिज़ाइन की बात करें या थोड़ी इसके हैंडलिंग की बात करें तो ये बिल्कुल इसका जो प्रीवियस वर्जन था सोनी अल्फा 6300 बिल्कुल उसी की तरह का है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं उसके अंदर। और इस वक्त जो है थोड़ा लो लाइट हुआ है, तो मुझे लगा कि इमेज क्वालिटी टेस्ट करने के लिए लो लाइट, यानी कि इस वक्त बज रहे हैं 5:45, तो मैंने सोचा तब शूट करेंगे तो पता चलेगा एक्चुअली कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। तो मैं लेता हूँ एक शॉट। और हमारे साथ आज यश जो है मुंबई बेस्ड और बहुत ही यंग लड़का है, तो अभी मिला हमें जहाँ हम शूट कर रहे थे, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हम आपकी एक पिक्चर्स ले सकते हैं। तो यश ने बोला ओके सर आप ले सकते हैं, तो यश का एक पिक्चर लेते हैं हम हेडशॉट। यश आर यू रेडी? कैमरा सेटिंग्स जो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, और एक मैं लेता हूँ इनका हेडशॉट। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों, एक पिक्चर और लेते हैं। ऑटो फोकस मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और स्पेशली जो आई रिकॉग्निशन है ये फीचर बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको प्रेस किया हल्का सा, ये देखिए यहाँ पर, और इमीडिएटली जो है फोकस इसने आई के ऊपर लॉक किया। और मैं आपको बता दूं इस कैमरा के अंदर आपको मिलते हैं अराउंड 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स फेस डिटेक्शन। तो ऑटो फोकस के मामले में ये कैमरा थोड़ा मुझे बेटर नज़र आया। अब लेते हैं यश का हम एक पोर्ट्रेट और देखते हैं कि हमें पोर्ट्रेट इसमें कैसा मिलता है। और जैसे मैंने देखे शटर रिलीज बटन प्रेस किया, फटाक से उसने जो है आईज़ के ऊपर फोकस को लॉक किया इनके, और ये पिक्चर लिया मैंने इनका। एक और लेते हैं। कैमरा सेटिंग आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो दोस्त, तो आप देख पा रहे हो दोनों पिक्चर्स जो है हमें काफ़ी अच्छे मिले यहाँ पर। अब इस कैमरा में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसका जो ISO है वो 100 से लेके कुछ आपको मैक्सिमम है 32100 तक। और ये जो मैंने पिक्चर लिया था मैंने लिया ISO 400 पे, तो बहुत ही अच्छा पिक्चर मिला है मुझे ISO 400 पे, यानी कि लाइट जो है काफ़ी लो है इस वक्त यहाँ पे। आपको कैमरा में थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा होगा बट एक्चुअल में लाइट थोड़ी सी लो है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नज़र आई। दूसरा इसके अंदर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी इस कैमरा की दोस्तों, वो है इसके अंदर आप 11 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप हाई स्पीड शूटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स लेने हैं या एक्शन फोटोग्राफी करनी है तो वो भी आप इसके ऊपर आसानी से कर पाओगे। अब लेते हैं सोनी अल्फा 6400 से एक फुल लेंथ पिक्चर, और लाइट अभी और भी ज़्यादा लो हो गई है, देखते हैं कि ऑटो फोकस बराबर से लॉक होता है कि नहीं आईज़ के ऊपर, और ओवरऑल फोकस कैसा जा रहा है। तो बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा है, सो ऑटो फोकस इज फैबुलस दोस्तों, मुझे बहुत ही एक्यूरेट लग रहा है इसका ऑटो फोकस, एकदम आईज के ऊपर ले रहा है। कैमरा सेटिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पिक्चर हमें काफ़ी अच्छा मिला। एक पिक्चर और लेता हूँ मैं। या यश लुक इनटू द लेंस। यश या अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे थोड़ी सी इसके अंदर दोस्तों जो मुझे नेगेटिव नज़र आई वो इसका जो कलर साइंस है वो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा पर्सनली। मे बी मैं इसको अभी आज हैंडल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो शायद ऐसा लग रहा हो, बट कलर्स आर नॉट दैट प्लेजेंट, मतलब उतना मज़ा नहीं आया कलर्स देख के। बट अगर आप थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे तो ये देखिए ये पिक्चर मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये एक्चुअल पिक्चर था और ये मैंने थोड़ा बहुत कलर ट्वीक किया है, और आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि कलर्स काफ़ी अब ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा पोस्ट के अंदर कलर्स को ठीक करना पड़ा। और जो मेरी कैमरा सेटिंग्स है यहाँ मैंने वाइट बैलेंस है वो बिल्कुल ऑटो पे रखा हुआ है दोस्तों, और बाकी का जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल नॉर्मल रखी है, यानी कि मैंने कुछ इसमें ज़्यादा सेटिंग्स के साथ प्ले नहीं किया है। अब लेते हैं दोस्तों एक लैंडस्केप पिक्चर, देखते हैं कि ये पिक्चर हमें कैसी मिलती है। तो ये थोड़ा सा देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ बस इस एरिया का पिक्चर ले रहा हूँ आपको खाली एक रेफरेंस दिखाने के लिए। तो एक पिक्चर हमें ये मिला है, और एक थोड़ा सा और मैं सामने का देख लेता हूँ रोड का पिक्चर, तो आप देख पा रहे हैं ये दो पिक्चर्स। और लैंडस्केप के अंदर भी जो है इस कैमरा ने अच्छे से परफॉर्म किया। सेंसर मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सेंसर जो है वो इसका पुराना वाला ही सेंसर है, यानी कि जो इसका पहले वाला मॉडल था 6300 वही वाला सेंसर है, तो नथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ सेंसर।
उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक माइनस पॉइंट मुझे लगा, इसकी जो डब्ल्यू बैटरी है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत जल्दी जो है बैटरी डाउन होती है। मैं भी अभी आधे घंटे से इसको ट्राई कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो बैटरी है उसका लेवल थोड़ा नीचे जाना शुरू हो गया है। तो बैटरी की जो है वो उतनी, इसकी बैटरी इतनी पावरफुल नहीं है। तो अगर आपको ये कैमरा लेना है तो आप मान के चलिए आपको कम से कम 3-4 बैटरीज आपको लेनी पड़ेंगी, अगर आपको थोड़ा सा काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना है तो। चलिए लास्ट पिक्चर लेते हैं यहाँ पर, और ये देखिए एक लाइट के खंभे के नीचे जो है हमें एक बॉक्स है उसका लेते हैं पिक्चर, और लाइट बहुत लो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस ओके है, एवरेज है, बहुत खास नहीं लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा, बट सो फार सो गुड। अब बात करें दोस्तों इसकी ओवरऑल, अगर इसके बारे में हमें अगर आपको बता रहा हूँ कि भाई ये कैमरा किन के लिए अच्छा है, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कैमरा जो है एक वेदर सील्ड बॉडी है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपको वेदर सील्ड बॉडी मिल रही है। दूसरी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसका जो ऑटो फोकस है, स्पेशली जो आई रिकॉग्निशन फीचर है वो बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी एक्यूरेट। आप जैसे ही शूट करते हो वैसे ही जो है ये आईज़ को एकदम अच्छे से लॉक करता है, तो आपको फोकस जो है वो टैक शार्प मिलता है। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी दोस्तों। दूसरी चीज़, ग्रिप बहुत अच्छी है, थोड़ी सी पकड़ने में ये थोड़ा अच्छा लगता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है जब आप कैमरा को पकड़ते हो, सो ग्रिप इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पर ये कैमरा किन के लिए अच्छा है, तो बेसिकली अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं, आपको अगर आप एक ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं या ट्रैवलिंग पर अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा है उस हिसाब से, या फिर अगर आपको छोटी मोटी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, पोर्ट्रेट्स लेने हैं, हेडशॉट्स लेने हैं, तो उसके लिए कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये कैमरा आपको एक अंडर 80,000 के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक ठीक ठाक कैमरा देख रहे हैं या फोटोग्राफी को सीख रहे हैं और एक थोड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इस कैमरा को मेरे हिसाब से भैया 10 के अंदर से मैं दूंगा इसको 7 मार्क्स। कैमरा बुरा नहीं है, कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, ओवरऑल इट्स अ गुड कैमरा टू लर्न फोटोग्राफी, टू डू फोटोग्राफी। सो अगर ये कैमरा आपको अच्छा लगा हो, तो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा हो तो आप नीचे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप किस कैमरा के बारे में क्या राय है वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक, जैसा कि मैंने कहा, ये रिव्यू नहीं है, ये जस्ट मैंने एक फोटोग्राफर की नज़र से ही अपने विचार रखे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया जल्दी से इसे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।